नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ का तड़का में। आज हम बनाने वाले हैं सूजी का बहुत ही बढ़िया टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जो एक गुजराती डिश है और हम उसे हांडवो भी कहते हैं गुजराती में। इसमें है बहुत सारे वेजिटेबल्स और ये आपके परिवार, आपके बच्चों और आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो और बनाते हैं टेस्टी हांडवो। सबसे पहले हम बोल में लेंगे 2 कप सूजी, उसमें हम डालेंगे 1 कप दही। दही आप थोड़े खट्टे दही लें, फ्रेश ना लें, इससे आपके हांडवो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब हम दही और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैटर यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है। हम इसे आधे घंटे से 1 घंटे तक के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं इसे ढक करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अब आप अपनी पसंद की कुछ सब्जियाँ ले लें। मैंने लिया है फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च एक कटे हुए, 1 गाजर मैंने कद्दूकस किया है और पत्ता गोभी, हरी मिर्च 2 कटा हुआ, अदरक, धनिया पत्ता और करी पत्ता जिन्हें मैंने काट लिया है। तो अब देखिए ये आधा घंटा 45 मिनट हो चुका है और इस तरह से हमारा बैटर जो है वो और गाढ़ा हो गया है। तो हम इसमें 1/2 कप पानी और मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए हमारा बैटर। अब ये देखिए ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए अपने हांडवो के लिए। तो अब हम यहाँ पर सारी सब्जियाँ डालेंगे। तो पहले मैंने डाल दिया है शिमला मिर्च, आप यहाँ पर अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। आप इसमें कॉर्न डाल सकते हैं, बीटरूट डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं और आपको जो भी सब्ज़ियाँ पसंद है आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है कैप्सिकम, पत्ता गोभी, गाजर और बीन्स, मटर भी डाल सकते हैं आप। अब सारी सब्जी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सारी वेजिटेबल्स हमारे अच्छे से मिक्स हो गई, ये देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ता और करी पत्ता। आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है आप वो डाल सकते हैं, आपको जो सब्ज़ी नहीं पसंद है आप वो नहीं भी डाल सकते हैं। जिन्हें प्याज पसंद है वो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। अब हम सारी सब्जियों को अच्छे से मिला लेंगे और इसमें डाल लीजिए स्वाद अनुसार नमक। अब हम 1 कटोरे में 3 से 4 करछुल बैटर अलग कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 कटोरे में बैटर अलग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें इसमें डालना है सोडा। और आप इस बात का ध्यान रखें आप सोडा सारे मिक्सचर में एक साथ ना मिलाएं, इससे हमारा हांडवो अच्छे से स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पर जो अलग से बोल में हमने बैटर लिया है हम उसमें डालेंगे सोडा और फिर इसे अच्छे से मिलाएंगे। जब आप इसे मिलाएंगे आप इसे तब तक मिलाइए जब तक आप अपने घोल में एयर के बबल्स आते हुए नहीं देख लें। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से आपको इस तरह से बबल्स आने दिखेंगे। जब आपके घोल में इस तरह से बबल्स दिखना शुरू हो जाए तब ये आपका बैटर रेडी है कढ़ाई में जाने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा बैटर में सोडा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम गैस में 1 कढ़ाई या पैन चढ़ा देंगे और उस पर डालेंगे 2 चम्मच तेल और अब हम इसमें तड़के लगाएंगे सरसों, एक चौथाई चम्मच तेल और इसमें हम डालेंगे कुछ करी पत्ता। अब
अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पूरे कढ़ाई में स्प्रेड कर देंगे। अब हम डालेंगे अपना बैटर। देखिए इस तरह से आप पूरा बैटर कढ़ाई में डाल के आप इसे अच्छे से फैला लीजिए और इसे ऊपर में से अच्छे से चम्मच से प्रेस करके प्लेन कर लीजिए। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे और धीमी आंच में पकने देंगे। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। अब 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारा खांडवो तैयार है कि नहीं। एक साइड में अच्छे से ये गोल्डन दिख रहा है, तो अब हम इसे पलट देंगे। क्योंकि ये साइज़ में थोड़ा थिक है, तो अगर आप इसे स्पून या करछुल की मदद से इसको पलटना चाहेंगे तो ये टूट जाएगा। तो हम इसे पलटेंगे प्लेट की मदद से। हमने यहाँ पर एक प्लेट में इसे ऐसे स्लाइड कर लिया और अब हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा और तेल, क्योंकि हमारे दूसरे साइड जिससे हमें पकाना है उसके लिए हम डालेंगे। और इस तरह से प्लेट पलट के हम इसे टर्न कर लेंगे। अब हम फिर से कढ़ाई को ढक देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। अब ये कितने टाइम के लिए पकेगा ये डिपेंड करता है आपके हांडवो के साइज़ पे। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मोटा कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको 8 से 10 मिनट भी लग जाए। तो ये देखिए हमारा हांडवो प्रॉपर से तैयार है अब। और क्योंकि ये सारा सरसों और तिल साइड में आ गया, तो हम इसे थोड़ा सा बीच में भी लाने की कोशिश करेंगे और हम इसे काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक नाइफ की मदद से इसे काट लिया है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो ये है हमारा हांडवो तैयार, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस है। ये बहुत ही क्रिस्पी है और ये आपके और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप इसे सर्व कर सकते हैं केचप, हरी धनिया की चटनी या फिर नारियल की चटनी के साथ। आशा है ये आपको रेसिपी पसंद आए। अगर आपने दही फ्रेश यूज़ की है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।